हेलो गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू अवर चैनल। जैसा कि आपको पता है, पिछले 2-3 महीने से लॉकडाउन चल रहा है, जिस वजह से गाड़ियों की सेल्स पर काफ़ी उधार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। मई के महीने में लॉकडाउन था, जिस वजह से गाड़ियां कम बिकी, लेकिन जून में गाड़ियां तो काफ़ी बिकी है, लेकिन फिर भी काफ़ी उधार चढ़ाव देखा जा सकता है। इस वीडियो में मैं आपको पूरे भारत के अंदर जून के महीने में सबसे ज़्यादा बिकने वाली 20 SUV के बारे में बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 20 पर है फोर्ड एंडीवर। जून के पूरे महीने में इस गाड़ी की 892 यूनिट्स, 892 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में। एंडीवर एक बेहतरीन गाड़ी है, लेकिन कभी भी इस गाड़ी को वो पोजीशन नहीं मिल पाई जो वो डिज़र्व करती है। सेगमेंट किंग फॉर्चुनर ने हमेशा ही अपने सेगमेंट अपना दबा दबा बनाए रखा है, लेकिन जिस जून के महीने में कुछ उल्टा हुआ है। फॉर्चुनर की सेल्स एंडीवर से कम है। अगर बात की जाए एंडीवर की सबसे ज़्यादा बिकने वाले वेरियंट की, वो है टाइटेनियम प्लस 4x4 ऑटोमेटिक। 19 पोजीशन पर है महिंद्रा की थार। इस गाड़ी की 1065 यूनिट्स, 1065 यूनिट बिकी है जून के महीने में पूरे भारत में। थार एक बेहतरीन गाड़ी है, नो डाउट। इस गाड़ी की सबसे ज़्यादा बिकने वाली वेरिएंट है LX 4 सीटर हार्ड टॉप वेरिएंट। 18 पोजीशन पर है मारुति की एस क्रॉस, जिसकी 1441 1441 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में जून के महीने में। गाड़ी की डेल्टा वेरिएंट सबसे ज़्यादा खरीदा जाता है। 17 पोजीशन पर आई है टाटा सफारी, जिसकी 1730 1730 यूनिट्स बिकी है जून के महीने में पूरे भारत में। सफारी सेगमेंट में काफ़ी बेहतरीन पैकेज प्रोवाइड करती है। इस गाड़ी का एग्जेट वेरिएंट 6 सीटर सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। 16 पोजीशन पर आई है रेनो की काइगर, जिसकी 2035 यूनिट 2035 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में। इस गाड़ी की सेल्स हर महीने मैग्नाइट से ज़्यादा हो रही थी, लेकिन इस महीने ये मैग्नाइट से पीछे रह गई। इसके पीछे शायद प्रोडक्शन कम होने का हो सकता है। इस गाड़ी का RXL वेरिएंट सबसे ज़्यादा डिमांड में है। 15 पोजीशन पर आई है टाटा की हैरियर, जिसकी 2041 यूनिट्स 2041 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में जून के महीने में। इस गाड़ी का XZ प्लस वेरिएंट सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। 14 पोजीशन पर आई है टोयोटा की अर्बन क्रूजर, जो कि असल में रीबैच्ड विटारा ब्रेजा है। इस गाड़ी की 2584 बिकी है पूरे भारत में जून के महीने में। इस गाड़ी का मिड वेरिएंट ऑटोमेटिक सबसे ज़्यादा खरीदा जाता है। 13 पोजीशन पर आई है मॉरिस ग्राजे की हेक्टर, जिसकी 3002 यूनिट्स बिकी है 3002 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में जून के महीने में। ये जो सेल्स फिगर है, हेक्टर और हेक्टर प्लस दोनों का कॉम्बाइंड सेल्स फिगर है। अगर बात की जाए सबसे ज़्यादा बिकने वाली वेरिएंट की, तो इसका शार्प वेरिएंट सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। 12 पोजीशन पर आई है हुंडई की अभी ही हाल में लॉन्च हुई 7 सीटर क्रेटा अल्काज़ार। इस गाड़ी की 3103 यूनिट बिकी है पूरे भारत में जून के महीने में। अल्काज़ार का प्रेस्टीज वेरिएंट सबसे ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। 11 पोजीशन पर आई है निसान की मैग्नाइट। इस गाड़ी की 3252 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में जून के महीने में। ये गाड़ी CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में सबसे ज़्यादा पसंद किया जा रहा है XV वेरिएंट के साथ में। 10th पोजीशन पर आई है फोर्ड की इको स्पोर्ट, जिसकी 3511 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में जून के महीने में। अभी हाल में एक खबर फैली हुई है इको स्पोर्ट्स की फेसलिफ्ट आने वाली है, नेक्स्ट जनरेशन की कोई खबर नहीं है। इस गाड़ी की टाइटेनियम प्लस सबसे ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। 9th पोजीशन पर आई है महिंद्रा की स्कॉर्पियो, जिसकी 4160 यूनिट्स 4160 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में। जल्द ही अगले साल की शुरुआत में इसका नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च होने वाला है, उसके बावजूद भी ये गाड़ी 9th बेस्ट सेलिंग गाड़ी बनी हुई है। स्कॉर्पियो उन कुछ गाड़ियों में से एक है जिसको लेने से पहले कस्टमर पूछताछ नहीं करता, आँख बंद करके बस खरीद लेता है। इस गाड़ी का S11 वेरियंट सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। 8 पोजीशन पर आई है महिंद्रा की XUV 300, जिसकी 4615 4615 यूनिट बिकी है पूरे भारत में। पिछले कुछ महीने से इस गाड़ी की सेल्स कम होती चली जा रही थी, क्योंकि सेगमेंट में कंपटीशन थोड़ा तगड़ा हो गया था, लेकिन इस महीने इसकी सेल्स काफ़ी अच्छी हुई है। ग्लोबल NCAP में सबसे ज़्यादा पॉइंट स्कोर करने वाली गाड़ी अभी तक XUV 300 ही है। इस गाड़ी का W6 वेरिएंट ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में सबसे ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। 7th पोजीशन पर आई है हुंडई की वेन्यू, जिसकी 4865 यूनिट्स 4865 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में। इस बार इस गाड़ी की सेल्स कम हुई है। इस गाड़ी की सबसे बिकने वाली वेरिएंट वो है XX ऑप्शनल।
सिक्स पोजीशन पर आई है महिंद्रा की बोलेरो, जिसकी 5744 यूनिट्स बिकी है, 5744 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में। काफ़ी जल्दी बोलेरो का एक प्रीमियम नया वेरियंट लॉन्च होने वाला है। TUV300 का एक फेसलिफ्ट वर्जन है जिसका नाम है बोलेरो नियो। इस वेरियंट का लॉन्च होने के बाद भी जो स्टैंडर्ड बोलेरो बिक रही है बिकती रहेंगी और एक नया वेरियंट ऐड किया जा रहा है। बात करें तो इसकी सबसे ज़्यादा वेरियंट वाली है वो भी है V6 ऑप्शनल। फिफ्थ पोजीशन पर आई है किया मोटर्स की सोनेट, जिसकी 5963 यूनिट बिकी है पूरे भारत में। इस गाड़ी का GTX प्लस वेरिएंट सबसे ज़्यादा खरीदा जाता है। फोर्थ पोजीशन पर आई है टाटा मोटर्स की नेक्सॉन, ये वो SUV है जो आमतौर पर 6th या 7th पोजीशन पर हुआ करती थी। जून के महीने में इस गाड़ी की 8033 यूनिट्स बिकी है। इस गाड़ी का XZ वेरिएंट सबसे ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। थर्ड पोजीशन पर आई है किया मोटर्स की सेल्टॉस, जिसकी 8549 यूनिट बिकी है पूरे भारत में। ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में ये गाड़ी 3 out of 5 स्टार्स की एवरेज टेस्ट रेटिंग स्कोर की है। पेट्रोल इंजन में HTA जबकि डीजल इंजन में HTX वेरिएंट सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। सेकंड पोजीशन पर आई है हुंडई की क्रेटा, जिसकी 9941 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में। इस गाड़ी का सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला वेरिएंट है XX ऑप्शनल। पिछले काफ़ी महीने से क्रेटा इंडिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली SUV बनी हुई थी, लेकिन इस महीने कुछ उल्टा हुआ है। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा बिकने वाली SUV के बारे में, तो वो है विटारा ब्रेजा, जिसकी 12833 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में। इस गाड़ी का एक ZXI ऑटोमेटिक वेरिएंट सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। अभी हाल ही में खबरों की माने तो अगले साल की शुरुआत में मारुति 1.5 लीटर डीजल इंजन इंट्रोड्यूस करने वाली है, जो आपको ब्रेजा में देखने को मिलेगी। तो चलिए, ये तो हो गई जून के महीने में सबसे ज़्यादा बिकने वाले 20 SUVs के बारे में। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। धन्यवाद।